इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। आइए समझते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं जब चार्ज रेस्ट में होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में होता है। तो हमारा यहाँ पर जो मोटिव है वो पहले जानना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, क्योंकि जो 12th का पहला चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि चार्ज की स्टडी है। चार्ज जब रेस्ट में होता है इसकी जो स्टडी करते हैं इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इसमें हम पढ़ने वाले होते हैं फर्स्ट चैप्टर में कूलम्स लॉ एंड सेकेंड चैप्टर में गॉस लॉ। तो इसको हम टू पार्ट्स में पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। इसका पहला पार्ट होता है कूलम्स लॉ और दूसरा पार्ट होता है गॉस लॉ। ये दोनों चैप्टर सेपरेट हैं और ये दोनों ही किस पर बेस्ड हैं, चार्ज एट रेस्ट, यानी कि चार्ज पर बेस्ड हैं। और चार्ज भी कैसा हो, रेस्ट में हो। तो आइए पहले समझते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, क्योंकि जब तक हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में नहीं जानेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को नहीं समझ सकते हैं। तो आइए समझते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, मैटर की प्रॉपर्टी है, विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडिएशन। बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, मैटर की एक प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडिएशन भी प्रोड्यूस करती है। इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कूलम, इसको हम सी से लिखते हैं। क्या होती है ऐसा यूनिट, कूलम होती है। अगर बात करते हैं क्वांटा ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्योंकि अगर चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज स्मॉलेस्ट अमाउंट में होता है, इसको हम प्रॉपर्टीज में जानेंगे। क्वांटा ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है E = ±1.6×10⁻¹⁹ कूलम, जहां पर ऐसा ही यूनिट होती है कूलम, सी से इसको लिखते हैं। चार्जेस आर टू टाइप्स। बेसिकली चार्जेस टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। इसलिए यहां पर लिखा गया है प्लस माइनस। दोनों ही चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम होता है बट नेचर अलग अलग होता है, एक होता है पॉजिटिव दूसरा होता है निगेटिव। और इन दोनों ही चार्जेस के बीच में फोर्स इन्वॉल्व रहता है, यानी कि जहां पर दो चार्जेस होते हैं दोनों चार्ज एक दूसरे पर फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, फोर्स लगाते हैं। तो जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस पास पास में होते हैं तब उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स होता है, यानी कि ये वाला चार्ज इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है और ये वाला चार्ज इस पर इस डायरेक्शन में। इसका मतलब दोनों एक दूसरे को धक्का देते हैं, रिपेल करते हैं। वैसा ही अगर नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस हैं तब भी क्या होता है, इन दोनों के बीच में रिपल्सन होता है। ये वाला इस पर इस डायरेक्शन में, ये वाला इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो जब दोनों सेम चार्ज होते हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव, दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, रिपल्सन करते हैं, धक्का लगाते हैं। तो जब लाइक चार्जेस होते हैं, लाइक मतलब सेम सेम, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव, तब क्या होता है, रिपल्सन, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, धक्का देते हैं। लेकिन जब दो चार्जेस, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव, यानी कि अनलाइक चार्जेस होते हैं, तब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये वाला इसको इस डायरेक्शन में और ये वाला इसको इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करता है। तो यहां पर देख सकते हैं जब लाइक चार्जेस होते हैं तो होता है रिपल्सन, एक दूसरे को दूर भगाते हैं, धक्का लगाते हैं। लेकिन जब दो अनलाइक चार्जेस होते हैं, यानी कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तब दोनों को अट्रैक्ट करते हैं, उनके बीच में होता है अट्रैक्शन, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होने वाली है। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। थर्ड प्रॉपर्टी होती है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। फोर्थ प्रॉपर्टी होती है इनवेरियंस ऑफ चार्ज। फिफ्थ प्रॉपर्टी होती है चार्ज कैन नॉट बी मासलेस। एंड सिक्स प्रॉपर्टी होती है चार्जेस आर स्केलर। इन प्रॉपर्टीज को हम वन बाय वन नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे विद न्यूमेरिकल्स। थैंक यू।